चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज सुरेश रैना राजस्थान के खिलाफ फॉर्म में नजर आए। मैच शुरू होने से पहले रैना का खेलना तय नहीं लग रहा था। चोट की वजह से रैना पंजाब के खिलाफ भी नहीं खेल पाए थे। हालांकि इस मैच में न सिर्फ रैना ने वापसी की बल्कि टीम के लिए तेजतर्रार पारी खेलने में भी कामयाब रहे। रैना ने वॉटसन के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 81 रनों की पार्टनरशिप की और टीम को बड़े स्कोर की तरफ लेने जाने का काम किया। इस दौरान श्रेयस गोपाल की एक गेंद पर रैना क्रीज पर डांस करते भी नजर आए। दरअसल 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर श्रेयस गोपाल ने रैना को गेंद फेंकी। इस गेंद को अंपायर ने वाइड करार दिया। गेंद विकेटकीपर बटलर के हाथों से लगकर विकेट की ओर बढ़ रही थी। ऐसे में रैना अपनी विकेट बचाने के लिए गेंद को पैर से दूर करना चाहा। इस मैच में सुरेश रैना ने 29 गेंदों पर 9 चौकों के दम पर 46 रन बनाए। 205 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान ने 32 रन के अंदर ही अपने 3 विकेट गंवा दिए। टीम इसके बाद लगातार अंतराल पर विकेट खोती चली गई और चेन्नई के लक्ष्य से 64 रन दूर रह गई।